सो हेलो गाइस, स्वागत है हमारी वीडियो में। तो ये वीडियो कोई VFX से रिलेटेड नहीं होने वाली, बल्कि इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको मोबाइल से इस सीन से ये वाला सीन कैसे बनाते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ काइन मास्टर से एडिट करके। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब हम जाएंगे गूगल पे, गूगल पे सर्च करेंगे रिमूव पीजी में सर्च पे क्लिक कर देंगे और सबसे पहले वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। अब ये थोड़ी लोडिंग होगी, फिर आपको अपलोड इमेज पे क्लिक करना है, फिर ब्राउज में जाना है और यहाँ से अपनी इमेज को ले लेंगे। मैं अपनी इमेज को अपलोड करूँगा। ये मैंने अपनी इमेज को अपलोड कर लिया है। ये थोड़ा थोड़ा रफ आ रहा है मतलब, तो फिर एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद इरेज और रीस्टोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ टर्न ऑफ पे क्लिक करके ऊपर करेंगे, तो इस रीस्टोर पे क्लिक करके फिर इसको साइज को थोड़ा छोटा बड़ा कर देंगे, फिर इसको मतलब थोड़ा ऊपर कर देंगे और फिर अपना जो गलत हुआ था वहाँ पे सही कर देंगे। फिर ऊपर डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके डाउनलोड इमेज पे क्लिक करेंगे, फिर ये इसको डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। फिर ओपन करेंगे काइन मास्टर को, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे और आपको ये इंस्टाग्राम 1.1 वाला फ्रेम लेना है और फिर क्रिएट पे क्लिक करना है। आपको यहाँ से अपनी बैकग्राउंड फ़ोटो लेनी है, मैं आपको उस बैकग्राउंड फ़ोटो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये रही हमारी बैकग्राउंड फ़ोटो और इसे हम ले लेंगे, फिर इसे थोड़ा बड़ा कर देंगे, फिर यहाँ पे हम जाएंगे पैन एंड जूम पे, इक्वल पे क्लिक करेंगे और इसको डबल क्लिक करेंगे और इसको जूम कर देंगे। फिर पीछे जाएंगे, लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक पोर्टल वाला इफेक्ट ले लेना है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगा। फिर इसे जूम करना है और अपनी इमेज में लगा देना है, फिर नीचे स्क्रॉल करना है और ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में जाके इसको स्क्रीन पे लगा देना है। देखेंगे ब्लैक बैकग्राउंड बिल्कुल हट जाएगा। फिर लेयर पे मीडिया पे जाकर हमें अपनी जो इमेज गूगल से डाउनलोड करी थी उसे ले लेना है और अपनी जो पिक्चर है उसमें लगा देना है। फिर दोबारा जाके हमें एक इफेक्ट लेना है डॉक्टर स्ट्रेंज की, एक शील्ड और एक आई ऑफ एगमोटो वाला, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको भी ब्लेंडिंग में स्क्रीन पर कर देना है और अपने पिक्चर के हिसाब से लगा देना है और ये हमारा फ़ोटो बनकर तैयार हो जाएगा। फिर आपको बैक जाके यहाँ कैप्चर एंड सेव पे क्लिक करना है। कैप्चर एंड सेव, आपका ये ऑटोमेटिक गैलरी में सेव हो जाएगा पिक्चर।